आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में। तो गाइस, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, इसका क्या फॉर्मूला है और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस चीज़ को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा डाइवर्सिटी फैक्टर्स को समझना क्यों जरूरी है, आखिर डाइवर्सिटी फैक्टर किस काम में आता है। किसी प्लांट में ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन किया जाता है, उस टाइम जब ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन किया जाता है यानी कि कितने केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना है, तो उस टाइम ये डाइवर्सिटी फैक्टर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है और ये डाइवर्सिटी फैक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और इसके बाद इक्विपमेंट सिलेक्शन वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, तो उस टाइम ये डाइवर्सिटी फैक्टर जो है काम में आने वाली है। सबसे पहले समझ लेते हैं ये डाइवर्सिटी फैक्टर एक रेशियो है, हमारे प्लांट में टोटल कितने किलोवाट का लोड जो है इंस्टॉल्ड किया गया है और जब हमारा प्लांट चलता है तो हमारे प्लांट में कितने किलोवाट का लोड जो है रनिंग रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। सपोज मान लीजिए कि आपका कोई एक प्लांट है, उस प्लांट में 500 किलोवाट का लोड इंस्टॉल्ड किया गया है और ये लोड रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव तीनों को मिला करके लिया गया है। अब आपके प्लांट में जो है 500 किलोवाट का लोड जो है इंस्टॉल्ड कर दिया गया है, यानी कि 500 किलोवाट का लोड जो है आपके पास कैलकुलेट किए हैं तो आया है। लेकिन जब आपका प्लांट स्टार्ट होता है यानी कि जब आपका प्लांट रनिंग चल रहा होता है, तो उस टाइम आप कभी देखोगे कि हमारा प्लांट जो है 500 किलोवाट पे कभी भी ज़्यादा देर नहीं चलता है। सपोज मान लेते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो 500 चलता होगा, लेकिन हमेशा वो जो है 450 पे, 480 या फिर 490 पे आपका प्लांट जो है रन कर रहा होता है। तो गाइज, हमारा ये इंस्टॉल्ड किया गया लोड और हमारा ये रनिंग लोड का जो रेशियो निकलता है उसी को डाइवर्सिटी फैक्टर कहा जाता है। डाइवर्सिटी फैक्टर जो है हमेशा 1 या फिर 1 से ज़्यादा होगा। तो गाइज, आपके प्लांट में टोटल कितने किलोवाट का लोड जो है इंस्टॉल्ड है और कितने किलोवाट का लोड जो है रनिंग है, इस चीज़ को भी आप कैलकुलेट करिए तो आपके पास जो है डाइवर्सिटी फैक्टर्स निकल के आ जाएगा, और उस डाइवर्सिटी फैक्टर से आप जो है ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन कर सकते हैं आपके प्लांट में कितने केवीए का ट्रांसफार्मर जो है इंस्टॉल्ड करना है। तो गाइज, मैंने इस वीडियो में आपको बताया डाइवर्सिटी फैक्टर्स के बारे में, किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है और डाइवर्सिटी फैक्टर जो है मिनिमम कितना रहता है। अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे शेयर करता हूँ। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।